फ्रेंड्स, उड़द तो आपने कई बार खाए होंगे, लेकिन क्या आपने उड़द की दाल से दाल मखनी खाई है? तो फ्रेंड्स, आज हम उसी की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं मोनिका आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल माही खाना खजाना में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को, बनाते हैं दाल मखनी। फ्रेंड्स, चलिए अपनी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर 1 गिलास दाल और आधा कप राजमा लिया है। इन दोनों चीज़ों को मैंने अलग अलग 4 से 5 घंटे के लिए सोक करने के लिए रख दिया था। अब हम इन दोनों चीज़ों का पानी निकाल के इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके कुकर में चढ़ा देंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए, एक कुकर लेंगे और उसमें अपने उड़द और राजमे को मिक्स करके दोनों को साथ में चढ़ा देंगे। इसके साथ हम राजमे को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। और हमने 1 गिलास उड़द लिए हैं, उसके लिए हम इसमें कम से कम इसका 4 गुना पानी ऐड करेंगे। मतलब ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसमें 4 गिलास पानी ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून हल्दी को ऐड कर देंगे और इसको 4 से 5 सीटी आने तक हम बॉईल करेंगे ताकि हमारी दोनों चीज़ें अच्छे से पक जाएं। फ्रेंड्स, अब हम कुकर की लिड लगाएंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए, हमने कुकर को गैस पे चढ़ा दिया है। अब हम इसमें 4 से 5 सीटी आने तक का वेट करेंगे। हमने दाल को अच्छे से बॉईल कर लिया है। 4 से 5 सीटी आने के बाद, दाल को ठंडा होने के बाद, हमने एक बॉल में निकाल लिया है। अब हम चलते हैं अपनी गैस की तरफ और अपनी दाल मखनी को स्पेशल तरीके से बनाते हैं। फ्रेंड्स, अब हम गैस पे एक कढ़ाई रखते हैं और कढ़ाई में 2 से 3 चम्मच देसी घी ऐड करते हैं। आप देसी घी रिफाइंड जिसमें बनाना चाहें उसमें बना सकते हैं। हमारा देसी घी जैसे ही गर्म हो जाए, हमें एक बोल भर के मखाने को फ्राई कर लेंगे। इसको हमें जब तक फ्राई करना है जब तक ये अच्छे से क्रंची नहीं हो जाते। फ्रेंड्स, ये देखिए, हमारे मखाने धीरे धीरे सोटी हो रहे हैं। इन्हें हम 2 मिनट के लिए अच्छे से सोटी कर लेंगे और उसके बाद इनको कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, हमारे मखाने अच्छे से सोटी हो गए हैं, अब हम इनको कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए, हमारे मखाने अच्छे से सोटी हो गए हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए, मखानों को तलने के बाद इसमें मुश्किल से 1 चम्मच घी रहा है। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम इस दाल को बटर में फ्राई करेंगे। मैंने यहाँ पर बटर डाल दिया है। बटर को हम अच्छे से मेल्ट होने देंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए, हमारा बटर अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून जीरा ऐड करेंगे। जीरा डालने के बाद कुछ इसमें खड़े मसाले ऐड करेंगे, जैसे कि तेजपत्ता, 2 बड़ी इलायची, 1 साबुत लाल मिर्च, 2 लौंग और 2 काली मिर्च, इनको ऐड करेंगे। थोड़ा सा हींग ऐड करेंगे और इनको अच्छे से सोटी होने देंगे जब तक हमारी सारी मसाले अच्छे से पक नहीं जाते। फ्रेंड, इसके बाद हम 1 बड़ी प्याज को चॉप करके इसमें ऐड करेंगे। अब हमें प्याज को जब तक भूनना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती। फ्रेंड्स, ये देखिए, हमारी प्याज धीरे धीरे गोल्डन ब्राउन होनी शुरू हो गई है। इस स्टेज में हम 10 से 12 लहसुन की कलियों और अदरक को कूट के इसमें ऐड कर देंगे। चाहे तो आप पेस्ट को भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन कूटा हुआ ज़्यादा अच्छा होता है। फिर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इनको भी सोटी कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए, हमारा अदरक, लहसुन, प्याज, तीनों चीज़ें अच्छे से सोटी हो गई हैं। अब इसमें 2 टमाटर का पेस्ट ऐड करेंगे और इनको भी अच्छे से सोटी कर लेंगे। से सोटी हो गया है। अब इस स्टेज में हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर, और इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, दाल मखनी में जीरा पाउडर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, तो इसलिए इसमें जीरा पाउडर डालना ना भूलें। जीरा पाउडर डालने से इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। फ्रेंड्स, ये देखिए, हमारा मसाला अच्छे से पक गया है। अब हमने जो उड़द और राजमा को बॉईल करके रखा था उसको इसमें ऐड करेंगे। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे।
फ्रेंड्स एक बार दाल मखनी इस तरीके से बना के देखिए, इस तरीके से भी दाल मखनी बहुत ही टेस्टी लगती है। एक दाल मखनी की रेसिपी मैंने अपने चैनल पर पहले भी डाली हुई है, मैं दोनों तरीके से बनाती हूँ और दोनों तरीके से बनाने में दोनों ही तरीके की रेसिपी ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन बच्चे ये वाली खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। फ्रेंड्स अगर नमक कम है तो आप डाल सकते हैं इस स्टेज में, नहीं तो हमने बॉईल करते हुए भी नमक को ऐड किया था। फ्रेंड्स ये देखिए हमारी दाल में अच्छे से बॉईल आने लगा है, इस स्टेज में हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे। फ्रेंड्स इसी स्टेज में हम इसमें जो हमारे दूध की मलाई आती है ना वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स मलाई डालने से क्या होगा, मलाई डालने से इसमें एक क्रीमी सा फ्लेवर आता है और इसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा हो जाता है। फ्रेंड्स ये देखिए हमारी दाल में अच्छे से बॉईल आने लगा है। अब हम गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम कर देंगे और इस दाल को धीरे धीरे करने देंगे ताकि हमारा दाल का टेक्सचर और भी ज़्यादा रिच और क्रीमी हो जाए। फ्रेंड्स इस स्टेज में हमने जो मखाने फ्राई करके रखे थे उनको भी इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स इस दाल का फ्लेवर मखानों से और भी टेस्टी हो जाता है। फ्रेंड्स 2 मिनट के लिए इसे पकने देंगे और हमें इस दाल को ढककर नहीं पकाना है, हमें इस दाल को ऐसे ही खुले में ही पकाना है, इस बात का आप ध्यान रखिए। फ्रेंड्स ये लीजिए हमारी दाल को पकते पकते 2 से 3 मिनट हो गए हैं, अब हम गैस की फ्लेम को बंद करते हैं और इसमें थोड़ा सा हरा धनिया स्प्रिंकल कर देते हैं। तो फ्रेंड्स ये लीजिए हमारी दाल मखनी एक नए स्टाइल में बनके तैयार है। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी वीडियो पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस दाल मखनी को आप रोटी पूड़ी नान चावल किसी के साथ भी खा सकते हैं, खाने में बहुत ही डिलीशियस लगती है और सभी को लगभग पसंद आती है। तो फ्रेंड्स कल फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू, बाय बाय।